नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उन वीर जवानों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारतीय सेना के जवान बिना किसी स्वार्थ के हमारे देश और देशवासियों की रक्षा करते हैं। ऐसे में ये जवान जरूरत पड़ने पर अपने प्राण भी हमारे देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इन जवानों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों, कन्नौज के छिबरा माऊ तहसील के गांव नोली निवासी कुलदीप मिश्रा जम्मू कश्मीर में सेना में हवलदार के पद पर तैनात थे। 4 महीने पहले ही उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई थी। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी के चलते ड्यूटी के दौरान वे बर्फबारी का शिकार हो गए थे। इसके चलते कुलदीप के पैरों में दिक्कत शुरू हो गई। 7 नवंबर 2021 को उन्हें लखनऊ के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरवरी 2022 में उनका एक पैर काटना पड़ा। तब से उनका अस्पताल में उपचार चल रहा था। बुधवार रात करीब 2 बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजन गुरुवार रात करीब 10:30 बजे उनका पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे। होली के दिन गांव में पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़े बेटे शुभ ने मुख्य अग्नि दी। इस दौरान फरेकाबाद से पहुंचे सिखलाई रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों से वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दुखद घटना की जानकारी होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जम्मू कश्मीर में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए जनपद कन्नौज निवासी सेना के जवान कुलदीप मिश्रा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और द्विगांत सैनिक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण कुलदीप मिश्रा के नाम पर करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी कुलदीप मिश्रा की आत्मा को भगवान शांति दे, साथ ही इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, उन वीर योद्धाओं के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।